इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ज्ञानव्यापी परिसर एएसआई सर्वे से जुड़ी बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। थोड़ी देर में एएसआई सर्वे शुरू होगा। एएसआई सर्वे से जुड़ी बड़ी खबर, हाईकोर्ट के फैसले के बाद आज फिर से सर्वे शुरू होगा। थोड़ी देर में एएसआई सर्वे शुरू हो जाएगा। वाराणसी एएसआई की टीम्स पहुंच चुकी है और बड़ी खबर ये कि एक बार फिर आज से एएसआई का सर्वे शुरू हो जाएगा। अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती भी यहां पर की गई है। कोर्ट के आदेश के तहत एक बार फिर आज से सर्वे शुरू हो जाएगा। कल हाईकोर्ट का फैसला सामने आया जो कि मुस्लिम पक्ष के पक्ष में नजर आता हुआ नजर नहीं आया और इसी वजह से आज मुस्लिम पक्ष भी सुप्रीम कोर्ट का एक बार फिर रुख करेगा। ज्ञानव्यापी सर्वे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था को भी काफी चाक चौबंद किया गया है, क्योंकि आज जुमे की नमाज भी होनी है। ऐसे में आज ज्ञानव्यापी की तरफ जाने वाले रास्ते में बैरिकेटिंग्स भी लगा दी गई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि बकायदा तमाम जो लोग हैं उनके बैग्स जो हैं वो चेक किए जा रहे हैं और सिक्योरिटी के लिहाज से किसी भी तरह से कोई चूक ना हो, इसको लेकर अलग अलग पॉइंट सिक्योरिटी के बनाए गए हैं। और खास बात यह है कि चूँकि आज फ़ोन जो है वो भी आज अंदर जो है अलाउ नहीं किया गया है, मंदिर परिसर के अंदर फ़ोन नहीं ले जा सकेंगे। इसके साथ साथ जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनके बैग चेक किए जा रहे हैं, चूँकि उत्तर प्रदेश डीजीपी मुख्यालय की तरफ से जो सिक्योरिटी अलर्ट है वो किया गया था, जिसके बाद से फिलहाल जो है यहाँ पर सिक्योरिटी जो है वो काफ़ी चाक चौबंद कर दी गई है। और आप तस्वीरें देख सकते हैं कि बैरिकेटिंग करके लगातार जो है तमाम लोगों से जो है उनकी चेकिंग की जा रही है, जो बैग्स ले जा रहे हैं उनकी प्रॉपर चेकिंग की जा रही है। और अलग अलग कुल 13 पॉइंट्स जो हैं वो मैदागिन से लेकर गोदौलिया तक बनाए गए हैं और हर पॉइंट पर जो है कुछ इसी तरह की चेकिंग की जा रही है ताकि किसी भी तरह से कोई अराजकता का माहौल जो है वो पैदा ना हो सके। कैमरामैन गिरीश के साथ विशाल लोगवंशी, जी मीडिया, वाराणसी। जी न्यूज़।